बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में चिकन शामी कबाब। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये 400 ग्राम बोनलेस चिकन है, इसे एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे और 1/4 कप चने की दाल को मैंने 20 मिनट से भिगोया हुआ था, अब इसे डाल देंगे। 3 साबुत लाल मिर्चों को डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियों को मैंने छील लिया है, अब इसे डाल देंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 10 से 12 ब्लैक पेपर डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1 टेबल स्पून डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और ढक देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तो 5 मिनट पकने के बाद इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी पानी है, और चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, लेकिन हमें इसका पानी ड्राई हो जाने तक इसे पका लेना है। तो इसे ढक देंगे और 2 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, इसे मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखें, ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे फूड प्रोसेसर में डाल देंगे और इसे अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो देखें, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चॉप की हुई प्याज, 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और 1 पूरा नींबू का रस डालेंगे। और फिर से थोड़ी देर के लिए इसे पीस लेंगे। अब इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे और इसे एक बार घुमाकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो मैंने गैस के ऊपर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब मिक्सचर से एक छोटा पोर्शन लेंगे और इसे कबाब का शेप देंगे। आप चाहें तो छोटा या बड़ा, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर पहले 1 कबाब डालकर ट्राई करेंगे। फिर इसे पलटने के बाद 2 और डाल देंगे और एक साथ में 3 कबाब ही फ्राई करेंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी छोटी है और ज़्यादा डालने से टूटने का डर बना रहेगा। इसकी साइडों को चेंज करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो देखें, ये कबाब हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे बाहर निकाल लेंगे और दूसरे बैचेस को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखें, सारे कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे डिश आउट करेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।